सुबह के 9 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुटेशिया हूँ। अब तक की अपडेट हम आपको दे दें। जेएनयू मामले में देशद्रोह के 2 आरोपियों ने कल देर रात पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद रात भर पूछताछ के बाद सुबह 4 बजे दोनों आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस आज कोर्ट में पेश कर सकती है। वहीं बाकी के 3 आरोपी रामानागा, आशुतोष और अनंत प्रकाश अभी भी जेएनयू के कैंपस के अंदर मौजूद हैं और इनके सरेंडर करने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि पुलिस ने दोनों आरोपियों से रात भर में क्या पूछताछ की है। पुलिस ने उमर और अनिर्बान को रात भर हिरासत में लेकर पूछा कि उन्होंने पूछताछ की है और आपको बता दें कि सुबह 4 बजे औपचारिक तौर पर उसे उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इनसे पूछा कि 9 फरवरी को आपके साथ कौन कौन मौजूद था। पुलिस ने 9 फरवरी के कार्यक्रम की वीडियो फुटेज भी उनसे मांगी है। और ये भी आपको बता दें कि पुलिस आरोपियों को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, यानी आज दिन में किसी भी वक्त इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को रात को वसंत कुंज थाने पहले ले जाया गया था और उसके बाद आरकेपुरम थाने में इस वक्त मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ हुई और अब 4 बजे सुबह औपचारिक तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो जहां जेएनयू में देशद्रोह के आरोप में 5 में से 2 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, वहीं आज राज्यसभा में जेएनयू मुद्दे पर विपक्ष के नोटिस के बाद बहस होनी है और इस मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामे के आसार भी हैं। उमर, आर यू गोइंग टू सरेंडर? आर यू गोइंग टू सरेंडर? जिसने 9 फरवरी को जेएनयू में आतंकी अफजल को शहीद बताकर देश विरोधी नारे लगाए, जिसने देश के कानून का माहौल उड़ाया, जिसने देश की न्याय व्यवस्था को चुनौती देते हुए बेशर्मी से सवाल उठाए, वही उमर खालिद अब देश की न्याय व्यवस्था शरण में है। कई दिनों तक पुलिस से भागने के बाद देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उमर खालिद के सरेंडर पर चल रहा सस्पेंस खत्म हुआ मंगलवार की रात। मंगलवार की रात उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य करीब 11:30 बजे बाहर निकलते हैं जेएनयू के एकेडमिक ब्लॉक से, जहां पर जेएनयू की सिक्योरिटी ग्रुप 4 की बुलेरो गाड़ी इंतजार कर रही होती है दोनों का। उस गाड़ी में बैठ जाते हैं अनिर्बान भट्टाचार्य और उमर खालिद। जेएनयू में देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 5 छात्रों की पुलिस को तलाश थी। आरोप है कि इन्हीं की अगुवाई में 9 फरवरी को जेएनयू में अफजल गुरु पर कार्यक्रम हुआ। जिसमें कश्मीर की आजादी और देश के 1000 टुकड़े करने वाले नारे तक लगे। लेकिन जी न्यूज पर जेएनयू देशद्रोह का मुद्दा उठने और कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद उमर खालिद समेत सभी आरोपी फरार हो गए। करीब 10 दिन तक अंडरग्राउंड रहने के बाद उमर खालिद और उसके साथी जेएनयू में वापस आए तो देशद्रोह के आरोपों को सांप्रदायिक रंग से दबाने की कोशिश की गई। साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। 21 तारीख की रात 8 बजे जेएनयू में दिखाई देने के बाद देशद्रोह के आरोपी पुलिस के धैर्य की परीक्षा लेते रहे और उसी अदालत के जरिए गिरफ्तारी से बचने का रास्ता तलाशते रहे, जिस पर सवाल उठाते हुए उमर खालिद ने आतंकी अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग करार दिया था। देश किसको आतंकवादी माना है और किसको आतंकवादी नहीं माना है, अगर आज की सरकार है और आज की पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ जजेस डिसाइड करेंगे तो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड आएगा। जहां सर तो कौन करेगा? आप करेंगे? आप करेंगे? आरएसएस और भाजपा गंगा ढाबे पे डिसाइड होगा सर कि अफजल गुरु आतंकवादी है या नहीं है? अगर आप अफजल गुरु के केस को क्लोजली स्टडी करते तो आप ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। सर मैंने अदालत का फैसला पढ़ा है, हाईकोर्ट सेशन कोर्ट, मैंने अदालत का फैसला, अगर आप पूरे कोर्ट को देखें, अगर आप पूरे जजमेंट को देखें, वो जी एग्जैक्टली वो फैसला फाइनल फैसला है। आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट
words that we do not have any direct evidence to prove that there was a conspiracy and Afzal Guru was involved. लेकिन हम उसको फिर भी फांसी पे लटका रहे हैं to satisfy the collective conscience of the society. ये शर्मनाक बात है, शर्मनाक judgment है. सर आपको लगता है कि हमारे देश की अदालतें सबूत नहीं है, आप पर पट्टी बांधती हैं पर अकल से अंधी हैं? आपको ये लगता है, ये कह रहे हैं आप? बात है कि आप पर पट्टी बांधती हैं पर अकल से अंधी हैं? ये मुझे लग सकता है, मुझे लगने का अधिकार है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? ये मुझे लग सकता है और ये बात मैं रख सकता हूँ. लेकिन गिरफ्तारी से बचने का कोई रास्ता न देख उमर खालिद और अनिर्बन ने 23 फरवरी की रात सरेंडर कर दिया. लेकिन देशद्रोह के बाकी तीन आरोपियों अनंत प्रकाश, रामानागा और आशुतोष ने अब तक सरेंडर नहीं किया है. दिल्ली पुलिस ये चाहती थी कि भनक ना लगे किसी को कि कहां पे रखा जाएगा उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य को. काफी देर तक ये जो कंफ्यूजन था ये चलता रहा. किसी को इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही थी कि आखिर दोनों को किस थाने में ले जाया गया है, कहां पर दोनों से पूछताछ चल रही है. और ये जो केओस था काफी देर तक चलता रहा. पुलिस उमर खालिद और अनिर्बन का मेडिकल करा चुकी है और इन दोनों को आज अदालत में पेश करने के बाद पुलिस इनकी रिमांड मांग सकती है. रूफी जैदी के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली. और इस पर अपडेट के लिए हम रुक करते हैं आरकेपुरम थाने के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा और साथ ही विजय चौक से रविंद्र भी मेरे साथ जुड़े हैं. लेकिन जितेंद्र, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ हुआ है अभी तक ये बताइए और अभी फिलहाल क्या हो रहा है, क्या ये डिसाइड हो गया, कितने बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोई जानकारी? नंदिता, रात को जब इन दोनों को यहाँ पर लाया गया है उसके बाद लंबी पूछताछ की गई है इनके कहाँ कहाँ पर ये रहे थे अब तक, क्योंकि 9 फरवरी का ये मामला है. उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसके बाद से लगातार ये छिपते फिर रहे थे. हालांकि दो दिन पहले जरूर ये जेएनयू कैंपस में वापस देखे गए, लेकिन उसके बाद भी कल रात तक जब सरेंडर नहीं किया था उससे पहले भी ये जेएनयू कैंपस में मौजूद थे. लेकिन इस बीच में ये कहाँ पर थे इसके बारे में तफसील से पूछताछ की है, जिसके बारे में इन्होंने बताया भी है. हालांकि जो पुलिस के सोर्स है उनका अभी भी ये कहना है कि रात से जो लंबी पूछताछ हुई है उसमें काफी सहयोग कर रहे हैं और जो जो सही सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई चारा भी नहीं है. एविडेंस पुलिस के पास सारे मौजूद हैं, वीडियो फुटेजेस हैं जो पुलिस ने एनालाइज किए हैं, उनके आधार पर जो जो चीजें निकल करके सामने आई है उसके आधार पर मजबूत केस पुलिस के पास है और सारे सबूत इन लोगों के खिलाफ है. तो लिहाजा इन लोगों के पास किसी तरह का कोई चारा नहीं था झूठ बोलने का. तो जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि आखिर इतने दिनों तक कहां पर थे, किस तरह से छिपते रहे, किन किन लोगों से बातचीत की है, ये तमाम तरह के सवाल इनसे पूछे गए थे. और साथ ही जो सबसे अहम बात है वो ये कि जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, उमर खालिद ने जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था तो बाहर से कुछ लोग आए थे, करीब 10 कश्मीरी ऐसे नवयुवक हैं जिसमें युवक और युवती हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है. वो कौन लोग थे इनके बारे में जानना जरूरी है. हालांकि कुछ नाम बताए गए हैं लेकिन अब ये देखना होगा कि वो कब गिरफ्त में आते हैं और किस तरह पुलिस उनके पास पहुंचती है. कितने बजे कोर्ट में पेशी होगी? देखिए, आज सवेरे 4 बजे इनको गिरफ्तार किया गया है और इसका मतलब साफ है कि दोपहर बाद ही इन दोनों को पुलिस के पास अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनका रिमांड लिया जाएगा. जी चलिए जितेंद्र, शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए. रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं. आज संसद में भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा होगा. बजट सत्र में आज संसद में सरकार और विपक्ष में जेएनयू देशद्रोह के मुद्दे पर जंग होनी तय है. विपक्ष पहले ही संकेत दे चुका है कि जेएनयू में देशद्रोह पर संसद में सरकार को घेरने की कोशिश होगी. वहीं सरकार भी इस मुद्दे पर सख्त है. खुद पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की को यह हिदायत दी है कि विपक्ष के हर हमले का जोरदार जवाब दिया जाए. संसद में आज साफ होगा कि कितनी आवाजें देशद्रोहियों के खिलाफ हैं और कितनी आवाजें उनके पक्ष में. आज साफ होगा कि कितने सांसद देशद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं और कौन उन देशद्रोहियों से सहानुभूति रखते हैं जो आतंकी अफजल को शहीद बताते हैं. विपक्ष आज जेएनयू देशद्रोह और रोहित वैमूला की खुदकुशी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. वहीं सरकार का रुख भी कड़ा ही रहेगा. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की संसदीय कार्यकारिणी बैठक में तय हुआ है कि पार्टी जेएनयू जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देगी. वहीं पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा है कि संसद में विपक्ष के हर हमले का जोरदार जवाब दिया जाए. वहीं प्रधानमंत्री ने उम्मीद भी जताई है
कि संसद के बजट सत्र में सरकार की आलोचना के साथ काम भी होगा। कि सदन का उपयोग गहन विचार विमर्श के लिए होना चाहिए, सरकार की भी भरपूर आलोचना होनी चाहिए, सरकार की कमियां भी उजागर होनी चाहिए और वही एक मार्ग है लोकतंत्र को मजबूत बनाने का, जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का। लेकिन संसद में काम होगा और देश के लिए जरूरी अहम बिलों पर चर्चा होगी, इसकी संभावना बेहद कम है क्योंकि संसद में देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों के मुद्दे पर भी जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। रविंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं विजय चौक से। रविंद्र, इस रिपोर्ट में जरूर हमने देखा, लेकिन आप संसद कवर करते आए हैं, कई मुद्दे उठते हैं, आज क्या होता दिख रहा है आपको? देखिए नंदिता, कल एनडीए की बैठक में, हालांकि रिपोर्ट में भी दिखाया गया, एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री साफ तौर पर कहा कि तथ्यों के साथ मजबूती से रखिए अपनी बातें, चाहे जेएनयू हो या रोहित वेमुला का मसला हो। वहीं अमित शाह ने कहा कि न कानूनी तौर पर, नहीं प्रशासनिक तौर पर, नहीं सरकारी कोई ऐसा हस्तक्षेप हुआ है कि हमें बचाव की मुद्रा में हो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूरी कानूनी पहलू रखा रोहित वेमुला वाला मसले पर भी और जेएनयू मसले पर, यानी एनडीए पूरी तैयारी करके है। और जहां तक विपक्ष की बात है, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि देशद्रोही नारे लगाने वाले के समर्थन में धरना देने वाले राहुल गांधी बाद में खुद ही सर्टिफिकेट देते हैं कि हम देश प्रेमी हैं, उनके सामने मुश्किल है कि जेएनयू का समर्थन करते हैं तो उनकी भद पिटेगी। इसलिए कांग्रेस रोहित वेमुला का मुद्दा जोर शोर से उठाएगा, जबकि लेफ्ट और दूसरे दल जेएनयू और रोहित वेमुला दोनों उठाएंगे। यानी विपक्ष में भी कहीं ना कहीं दो फाड़ भी दिख रहा है कि जेएनयू मसले को ज्यादा जोर से न उठाने की एक तरह से रणनीति बनाई है कांग्रेस ने, जबकि लेफ्ट जेएनयू पर ही टिका रहेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष दोनों अपनी तरह से पूरी तैयारी में है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, इसका नजारा आपको राज्यसभा में आज दोपहर में देखने को मिलेगा। चलिए रविंद्र, तब आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। तो जब से मामला सामने आया है, टीवी चैनल्स पर तो लगातार सरकार और विपक्ष के नेता एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते आए हैं, आज संसद में हंगामा होगा।